हरि ओम तत्सत। किसी साधक का बड़ा सुंदर प्रश्न आया है कि गुरु जी जब ध्यान करते हैं तब हम क्या देखें, क्योंकि जब आंख बंद करते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखता है, क्योंकि ये मन कहीं ना कहीं जा करके टिक जाता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं भी तो वही कहता हूँ कि इस ध्यान का, इस सारे जो ध्यान योग 112 जो पतंजलि के ध्यान सूत्र हैं, योग सूत्र हैं, यदि कहें तो उसमें वो भी यही कहते हैं कि देखने वाले को देखो। आप बोलते हैं ना कि ध्यान में क्या देखें, तो बिल्कुल देखने वाले को देख, जानने वाले को जान। यदि स्वामी विवेकानंद को आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे, पूरा का पूरा जब हमने पढ़ा, तो यदि इन नटसेल यदि छोटे से शब्दों में हम कहें तो सिर्फ दो चीज पर उनकी पूरी जो है लेखनी आधारित है, एक एकाग्रता और दूसरा अनासक्ति, तीसरा कोई शब्द शायद ही आपको मिले। तो एक तो एकाग्रता, अर्थात जब हम एकाग्र होते हैं तो एकाग्र अर्थात मन को जब हम एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, कहीं पर टिकाने की कोशिश करते हैं, तो उसी को तो देखना है, देखने वाले को ही देखना है। इस दुनिया का सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ा यदि कोई पाप है तो यही है कि हम अपने आप को जो है शरीर समझ बैठते हैं, हमारा आत्मबोध कहीं पीछे छिप जाता है। जबकि होना क्या चाहिए, हम उस आत्मदृष्टि को देखें। यह संसार सत्य नहीं है, ठीक उसी तरह से जैसे स्वप्न सत्य नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे देखने वाला तो बिल्कुल सत्य है, देखने वाला तो है। स्वप्न सत्य नहीं है, लेकिन स्वप्न देखने वाला तो सत्य है, वो है इसलिए स्वप्न देख पा रहा है। यह संसार सत्य नहीं है, लेकिन इस संसार को देखने वाला सत्य है। यही तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि संसार में रहो मगर संसारिक मत बनो, क्योंकि पैदाइशी आध्यात्मिक प्राणी आप हो, आध्यात्मिक बन करके इस संसार में रहो, इस संसार में बसो, इस संसार में फंसो नहीं, संसार में रहो। ठीक उसी तरह से जियो जिंदगानी, ठीक उसी तरह से जैसे कमल रहता पानी में, कमल जिस तरह से पानी में रहता उसी तरह से इस संसार में भी रहना है। इस शरीर के पार जब हम जाते हैं, ध्यान के गहराई में उतरते हैं, जब विचार शून्य होने की कोशिश करते हैं, और यह विचार क्या है, कई बार कुछ साधक जो है पूछते हैं कि आप एक कंठी क्यों धारण करते हैं। देखिए कंठी के बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे व्याख्या हैं, लेकिन एक सीधा और सरल व्याख्या यदि हम बताएं तो इसका जो है एक गले का रास्ता है। बस आप इतना यदि ध्यान कर लें, इतना यदि विचार कर लें कि इस के अंदर जो जाए और बाहर, क्योंकि दिमाग है और ये हृदय है, दिल और दिमाग से कोई यदि हम काम करते हैं तो हमारे अंदर ना अशुद्धि जाए, शुद्ध चीज जाए और शुद्ध चीज निकले, अर्थात हम शुद्ध आहार का सेवन करें, और इस अन्न से ही मन बनता है, अर्थात इस अन्न से ही, इस आहार से ही हमारा विहार और विचार बनता है, और उस विचार से ही हमारे शब्द निकलते हैं। किसी के बहुत ही गंदे और गलत शब्द निकलते हैं, इसका मतलब कि उसका विचार भी ठीक उसी तरह से है, क्योंकि विचार से ही व्यवहार है, व्यवहार से ही प्यार है, परिवार है, सोमवार है, बुधवार है, हर बार जो है इस विचार से ही तो है। तो हमारे अंदर ना गलत विचार जाए और ना कोई गलत शब्द बाहर निकले, यही इस कंठी का जो है ये आवागमन के जो है कह सकते हैं कि आप बैरियर हैं। तो ये आपका एक दृढ़ प्रतिज्ञा होना चाहिए कि हमारे अंदर कोई भी जो है अशुद्ध आहार, अशुद्ध विचार न जाए, दिमाग से दिल तक कोई भी हमारे गंदे विचार न पहुंचे। ठीक उसी तरह से बाहर भी हमारे कंठ से कोई भी शब्द ऐसा न निकले जिससे किसी को बुरा लगे। यज्ञोपवीत संस्कार हम लोग जनेऊ पहनते हैं, तो जनेऊ के तीन धागे क्या जो है संकेत करते हैं, यह संकेत करते हैं सत्य, अहिंसा और शाकाहार। तो क्या हम अपने जीवन में उतारते हैं या सिर्फ हम एक निमित्त मात्र धारण करते हैं? तो यह संसार दो दृष्टि से देखा जा सकता है, एक भ्रम के दृष्टि से और एक ब्रह्म के दृष्टि से। ब्र...
ब्रह्म अनामय अज भगवंता, जहाँ भी आप देखेंगे वहाँ भगवान दिखेंगे। कब? जब हम जो है सद्विचार से भरे हों। जीवन में जब सद्विचार आता है तो भक्ति आती है, जब कुविचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, तो आसक्ति वासना इत्यादि घेर लेते हैं। और जब हम निर्विचार होते हैं, सद्विचार और कुविचार के परे जब हम निर्विचार होते हैं, तभी हमारी मुक्ति होती है। और मन क्या है? विचारों की पुनरुक्ति है। जहां आपका विचार रुक जाता है, विचार जहां खत्म हो जाता है, जब आप संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान को समर्पित कर देते हैं, इस प्रकृति को, इस अस्तित्व को समर्पित कर देते हैं, जहां पे स्वयं को आप मिटा देते हैं, स्वयं को सब कुछ सौंप दिया यह जीवन प्रभु के हाथों में, हम लोग बोलते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। छोटा सा कहीं कुछ घटना दुर्घटना होती है, बेचैन हो जाते हैं। अपने आप को यदि हम सच में सौंप दिए हैं तो उससे क्या विचलित होना, क्या विचलित होना, क्या ये नौकरी, क्या घर, क्या रिश्ते, क्या नाते, क्या, अरे ये सब चीजें तो इस शरीर मात्र से है। जिस दिन ये शरीर छूटा ये सब यहीं के यहीं रह जाते हैं। यह शरीर मात्र से प्रेम है और यह ठीक उसी तरह से है जैसे कोई दिया जलाते हैं ना, तो ऊपर तो राख हो जाता है लेकिन फिर भी दूसरे दिन जल जाता है, लेकिन वो दूसरे दिया में नहीं जलेगा। ठीक उसी तरह से इस शरीर लेकर के हम एक जो है व्यक्तिगत परिवार से, समाज से, जाति धर्म इत्यादि से जुड़ जाते हैं। वस्तुतः हम वो है नहीं, वह तभी तक है जब तक यह शरीर है और यह शरीर उस भाव को लेकर के जीवन जीता है। इस भाव को हम दूसरे शरीर में नहीं डाल सकते। तो शरीर एक साधन है। जब हम ध्यान करने बैठे, जब हम ब्रह्म के गहराइयों में जाने की कोशिश करें, तो हम यह अनुभव करें कि यह शरीर एक साधन मात्र है और यह साधन जो है साधना में परिपक्वता के लिए है, न कि संसारिकता में, संसार में उलझने के लिए है। ये चंद्रमा, सूरज इत्यादि जो भी दिखते हैं, यह शरीर मात्र से दिखते हैं। कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, वह इस शरीर मात्र से है। और शरीर का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन आप हैं। यह आत्मदृष्टि से जब आप देखेंगे, आत्मबोध आत्मज्ञान हो जाएगा, तब ऐसा लगेगा कि इस शरीर से परे भी कोई है, इस शरीर के अंदर ही है। एक दिन वह चले जाएगा। शरीर की अपनी क्षमताएं हैं, अपने सीमित दायरे हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा और अंततोगत्वा। इस शरीर को तो ठीक वैसे ही छोड़ना है जैसे पुराने कपड़े को उतार करके नए कपड़े पहन लेते हैं, तो फिर इस शरीर से मोह कैसा। लेकिन शरीर को स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना भी हमारा ये दायित्व है, क्योंकि यह आत्मबोध आत्मज्ञान के लिए, मोक्ष के लिए, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमानंद की प्राप्ति के लिए यह शरीर एक साधन मात्र है। और साधना करने के लिए यह मनुष्य शरीर ही एक सुगम और सहज भाव है, क्योंकि अन्यत्र जितने भी जीव हैं वह सिर्फ भोग मात्र हैं। और यह भोग मात्र आप देखेंगे तो उसमें सुख और दुख नहीं है। देखिए, सुख और दुख तो मनुष्य को भी है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मछली बहुत दुखित है, उसको तो जल में जीना पड़ता है। नहीं, जब आप मछली बनेंगे तब आपको उस जल में आनंद आने लगेगा। एक कुत्ते को भोंकने में आनंद आता है, आपको नहीं आएगा, लेकिन जब 84 लाख योनि में भटकते कभी कुत्ता बनेंगे तो उसका आनंद अपने जगह पर है, लेकिन वह भोग मात्र है। उसके पास यह समझदारी नहीं है कि हम थोड़ा सा ध्यान करके, थोड़ा सा भजन करके हम अपने आत्मा को उस परमात्मा में मिला सकते हैं। यह ठीक उसी तरह से है जैसे नदी का पानी पूरा संसार में बहते रहता है और तब तक वह इधर उधर भटकते रहता है जब तक वह समुद्र में जा करके मिल नहीं जाता है। क्योंकि इस संसार सागर में, इस विश्व में एक बूंद पानी भी आप कहीं देखेंगे तो वह किसका अंश है? समुद्र का अंश है। और वह तब तक इधर उधर भटकते रहता है जब तक कि वह समुद्र में नहीं। तो ठीक उसी तरह से यह आत्मा परमात्मा का अंश है और यह आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न शरीर लेकर के भटकते रहता है तब तक जब तक परमात्मा की अर्थात अंश का अंशी में विलय नहीं हो जाता है।
जब विलय हो जाएगा तो फिर इस शरीर का तो समाप्ति होना ही होना है। ये आत्मा का भी जो है उसमें विलय हो जाएगा और अनंत में हो जाते हैं। बोलते हैं ना, वह परमपिता परमात्मा तो अनंत शक्ति है। तो हम ये क्षुद्र दृष्टिकोण हटा करके, इस संसारिक माया मोह से थोड़ा सा हट करके संसार में व्यवहार में रहें, दिमाग लगा करके रहें, दिल न लगाएं। अब दिल कहीं भी लगाएंगे दिल टूटेगा, दिल भगवान के भजन में लगाएं। और जिस दिन इस शरीर को चलाने के लिए जैसे भोजन अति आवश्यक है, जिस दिन यह भावना हमारे अंदर जग जाए कि भोजन से भी अति महत्वपूर्ण भगवान का भजन हो गया है हमारे लिए, उस दिन आप समझिएगा कि एक बहुत बड़ी भगवत कृपा हो गई है। और उस दिन ऐसा लगेगा कि अब हम भव सागर से पार होने के लिए छटपटा रहे हैं। उपवास का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमारे ऋषि मुनियों ने दिया था। आज जो उपवास करते हैं, यह उपवास तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन सार तत्व यह है उपवास का, इस व्रत का, किसी भी त्योहार का जो हम भोजन करते हैं, तो यह सर्वविदित है कि शरीर निर्वाह के लिए भोजन अति आवश्यक है। लेकिन जिस दिन यह भाव जग जाए, उपवास हम इसीलिए करते हैं कि कभी यह भाव जगा पाए कि भोजन से अति महत्वपूर्ण हमारे लिए भजन है। और जिस दिन ऐसा लगने लगे, चाहे आप उपवास रखो कि रोजा रखो या फास्टिंग रखो या कुछ भी रखो, लेकिन यदि उस दिन वो भाव जग गया कि नहीं, इस भोजन से अति महत्वपूर्ण तो भजन है, उस भोजन को जो पेट में अतिशय बेचैनी पैदा करती है, उस उपवास के दौरान यदि भजन की भूख जग जाए, आपको लगे कि हमें भजन चाहिए ही चाहिए, हमें भगवान चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम मर जाएंगे, ठीक उसी तरह से जैसे भोजन के बिना मर जाएंगे, उस दिन समझिए कि भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा हो गई है और तब भगवत प्राप्ति का रास्ता तय होता है। तो कुल मिलाकर के ध्यान की यदि हम बात करें, तो ध्यान ही एक गहरे तत्व में, और आजकल इतने सारे दुकान खुल गए हैं, जो बन सके ना अच्छे इंसान वो बने फिर रहे हैं, भगवान दे रहे हैं दुनिया को ज्ञान कि ध्यान करो, ऐसे ज्ञान ऐसे करो, ये ऐसे करो वैसे करो। इन फर्जी लोगों से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भगवद गीता। आप गीता खरीद करके, और वह भी गीता प्रेस से निकली हुई गीता ही मूल टीका है, बाद बाकी तो सब अपने अपने विचार उसमें थोप दिए हैं, कुछ लोग उसमें भी जो है मिलावट कर दिए हैं, लेकिन शुद्ध और परम सत्य भगवान का हृदय का धड़कन वह गीता आप अध्ययन करें। वह गीता ही सर्वस्व है, संसार के सारे ज्ञानों का सार संग्रह है, वह हमारे जीवन का आधार है, जीवन दर्शन है। तो क्या हम कभी उस गीता का अध्ययन करके और उसके आधार पर हम ध्यान पर में उतरने की कोशिश करें और फिर भी कहीं दिक्कत आती है, हम एक आदत तो डालें कि कम से कम सुबह आधे घंटा समय अपने आप को दें, इस संसार को, परिवार को, व्यवहार को, व्यापार को 24 घंटा तो देते ही हैं, इस शरीर को देते ही देते हैं, लेकिन क्या आधा घंटा स्वयं को दे पाएंगे? स्वयं को देना है, उस सोने वाले को, उस व्यापार करने वाले को, उस परिवार के रिश्ते निभाने वाले को, क्या आप आधा घंटा समय दे सकते हैं? स्वयं को देना है, इस देखने वाले को आप देख सकते हैं, इस बोलने वाले से क्या आप बात कर सकते हैं? कभी हम आधा घंटा बैठ करके मौन रहे, एकांत में अपने हृदय में थोड़ा सा झांक करके देखे, झांक रहे सब एक दूसरे के आंगन में, खुद के आंगन में झांके कौन, थोड़ा खुद के हृदय में झांक करके, अपने हृदय को स्पर्श करके, अपने खुद का हाल समाचार पूछ करके थोड़ा देखे तो सही, थोड़ा हम ध्यान में उतरे तो सही, और आधा घंटा समय अपने आप को दे तो सही। इसलिए इस हजारों लाखों धर्म गुरुओं में और धर्म गुरु और ये धार्मिक कट्टर पंथी लोगों के चक्कर में फंसने के बजाय स्वयं कभी इस खुले मैदान में आकर के आधा घंटा स्वयं से बात करें, स्वयं में विचार करें और उन विचारों से उन्मुक्त होने की कोशिश करें, तो हमारा जीवन मुक्त हो पाए, जीवन में आनंद आ पाए। सुख तो क्षणिक हो सकता है, भूख लगी भोजन किए
और बड़ा सुख मिला। आनंद नहीं मिला, सुख मिला। फिर भूख लग जाएगी, फिर हम उसी भोजन के लिए भटकते रहेंगे, यही संसार है। फिर खाएंगे, सुख मिलेगा। फिर भूख लगेगी, दुख आ गया। फिर भोजन करेंगे, सुख मिल जाएगा। ये संसार का सुख और दुख है, लेकिन ये आनंद नहीं है। आनंद तो वह है जो एक बार हम खा लिए, एक बार राम रस पी लिए, फिर उस रस का स्वाद हमेशा हमेशा के लिए रह गया और हमेशा हमेशा के लिए हमारा पेट भर गया। यह है भगवान का। आइए एक संकल्प लें कि ध्यान में उतरें, कभी एकांत में बैठें और स्वयं में स्वयं को देखने का प्रयास करें। हरिओम।